तो गाइस वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम चेतन जांगी। पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो शुरू करते हैं अपन तो वीडियो। देखो ये अपनी महिंद्रा बोलेरो है जो कि 2004 मॉडल है और इसके अंदर मतलब इंजन के स्पेसिफिकेशन भी सेम है, मतलब जो कि 63 BHP पर 4000 RPM निकालता है और मतलब एवरेज के अंदर बहुत बड़ा फर्क है इसके अंदर, क्योंकि ये DI इंजन है जो कि डायरेक्ट इंजेक्टर है, इसके अंदर इंजेक्टर है नहीं, डायरेक्ट मतलब उठ जाता है इंजन के अंदर। इसके अंदर डीजल पंप इतना कोई इलेक्ट्रिक है नहीं, अपनी वाली गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल है, देसी है, रफ एंड टफ है अभी तक इसके अंदर। देखो मैंने कल वीडियो आई थी उसके अंदर मतलब जंग पकड़ रखी थी जगह जगह पर, अभी इतना नहीं पकड़ रखी। देखो अभी तक भी इतनी कोई जंग लगी है नहीं इस गाड़ी के अंदर, अभी तक बराबर सी है। ये 2004 वाला वेरिएंट और 2011 वाला है। अब इन दोनों के अंदर मतलब प्राइस का बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। ये मतलब उस समय 6 लाख के अंदर ऑन रोड आ जाती थी और वो वाली 8.5 लाख की आई थी उस समय। तो भाई प्राइस का डिफरेंस तो कर दिया, पर इंजन के अंदर भी कर दिया, मतलब वो तो लगभग सेम है, पर अभी के अंदर जितना भी इंजन के अंदर डिफरेंस आ रहा है वो देखने के हमें मतलब बिल्कुल BS6 कर दिया है। फिर मतलब इतना मतलब बढ़ा रहे हैं मतलब पैसों को और मतलब 12.5 लाख की कर दिए, कोई मतलब है नहीं, मतलब बढ़ाते जा रहे हैं। अब इसके इंजन के स्पेसिफिकेशन भी बढ़िया है, मतलब इसके अंदर आगे के अंदर भी लिप सस्पेंशन है, इसके अंदर पीछे के अंदर भी लिप सस्पेंशन है। जो कि मैं बताऊँ तो देखो आपको क्रैन तो इसके अंदर दोनों टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाते हैं हमें। यह थोड़ा क्या मतलब नॉइस आ रहा है बाहर के, मतलब इसके अंदर क्रोम मिल जाती है, बॉर्डर क्रोम की क्रोम बॉर्डर मिल जाती है और हैलोजन हेडलाइट मिल जाती है इसके अंदर, और इसके अंदर मतलब एक क्रोम के अंदर इसकी ग्रिल मिल जाती है, इसके अंदर ट्रकों वाले और मिल जाते हैं हमें देखने के लिए। बस आगे से तो यही इसके अंदर महिंद्रा के लोगों की यहाँ प्लेसमेंट दे रखी है। वाइपर तो सब इसके ख़राब हो गए, बस अंडर रिपेयर है। दोनों तरफ टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिलते हैं। हम भी इसके पीछे से बात करें तो अभी भी बोलेरो के अंदर लीप सस्पेंशन ही देखने के लिए मिलता है जो कि इसके अंदर पीछे के अंदर दे रखे हैं। अब इसके अंदर अपन मतलब इतना कोई झोल भी नहीं मारती गाड़ी, बढ़िया चलती है ये वाली। तो इसके अंदर भी पीछे की पट्टे दे रखे हैं, इसके अंदर कितने 5 पट्टे हैं उसके अंदर भी, उसके अंदर मेरे ख्याल से 4 पट्टे ही होंगे। अब ये दोनों मतलब सेम सी गाड़ी है, पर इसके अंदर बॉडी रोल बहुत कम मिल जाता है उसके अंदर हमारी वाली के अंदर, ये उस वाली के अंदर थोड़ा बॉडी रोल थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है हमें इसके अंदर क्या है। और आगे के अंदर भी फ्रंट सस्पेंशन भी नहीं दे रखे, मतलब कोयल वाले मतलब इसके अंदर यही दे रखे हैं, लीप सस्पेंशन ही दे रखे हैं एज इट इज़ ही, मतलब कॉपी पेस्ट है तो नहीं है, मतलब इसके अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस डाला गया है, मतलब आगे की तरफ सस्पेंशन डाल दिया बोलेरो के अंदर। ये क्या है 2004 मॉडल थी, इस कारण में इसके अंदर लेस सस्पेंशन है जो कि पिकअप के अंदर अभी यूज़ आ रहे हैं अभी हाल ही में। और इसके अंदर इंजन भी सेम है, इंजन तो सेम है पर उसके अंदर M2 DICR दे दिया जो कि इलेक्ट्रॉनिक दे दिया इसके अंदर, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक है नहीं, मतलब ये मतलब देसी वाला है जो अभी पिकअप के अंदर आ रहा है। उसके अंदर भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक कर दिया होगा बट मैंने देखा नहीं अभी। अब इसके अंदर 360 डिग्री डोर ओपन होते हैं जो कि अभी टाटा का चल रहा है ना पंच के अंदर 90 डिग्री का, मतलब इसका ये फीचर है 90 डिग्री हो जाएगा, पर इसके अंदर ऑलरेडी 360 का दे रखा है महिंद्रा ने। 360 तो नहीं 180 भी नहीं है पूरा। अब इसके अंदर इंटीरियर मतलब इसके अंदर बैठने की ये 8 सीटर पास है, ये वाली अपनी 8 सीटर पास है जो कि बैठने में तो मतलब इतनी कंफर्टेबल है, उससे ज़्यादा कंफर्टेबल है ये। इसके अंदर बीच के अंदर मतलब आराम से चार मेंबर बैठ सकते हैं और आगे की तरफ 3 बैठ सकते हैं। इसकी सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ी सी उससे उसके अंदर थोड़ा कंफर्ट डाला गया था, इसके अंदर इतना कोई कंफर्ट है नहीं, मतलब देसी गाड़ी है ये तो कहीं से भी कूदाओ कहीं से भी निकालो निकल जाएगी। इसके अंदर इतना कोई कम्फर्ट देखने के लिए नहीं मिलता हमें। इधर आगे की तरफ 2 जनों की सीटिंग कर रखी है एक सीट पर ही, और हमें ये 4 गियर के अंदर मिल जाती है, वो वाली में हमें 5 गियर के अंदर मिलती है, इसके अंदर 4 ही गियर दे रखे हैं। और ये उस समय 4x4 भी आती थी, आजकल नहीं दे रही कंपनी ने 4x4, अभी दे रही नहीं है कंपनी, ये भी 4x2 के अंदर ही आ रही है। मतलब कंपनी को थोड़ा यार बोलेरो के अंदर 4x4 तो देना चाहिए, मतलब इसके अंदर आगे की तरफ 3 बैठेंगे और पीछे की तरफ भी 3 बैठेंगे और पीछे की तरफ उसके पीछे मतलब बूट के अंदर 4 मेंबर, मतलब वैसे तो 4 मेंबर बैठ जाते आराम से, वैसे कंपनी से मतलब 2 मेंबर के लिए सीटिंग अरेंजमेंट की गई है जो कि इसके अंदर अभी तो हालत ख़राब है सीटों की, इसको फोल्ड कर रखी है ये सी आराम से 2 मेंबर। भाई इसकी थोड़ी ये क्या है सीट फोल्ड हो जाती है, मतलब ये वाली थोड़ी आगे की तरफ डिक्लाइन है ये
अपनी वो थोड़ी उस वाली नई वाली के अंदर है ना, वो थोड़ी पीछे की तरफ है जी, ताकि वो मतलब आगे की तरफ थोड़ा कंफर्ट आ जाए और अच्छी रहे। और ये रहा मतलब पीछे की, मतलब इसके अंदर लेग रूम तो इतना कोई खास मिलता नहीं हमें। ये देखो इसके अंदर आराम से दो मेंबर आराम से इजीली बैठ सकते हैं, मतलब इतना बढ़िया अच्छा खासा मिल जाता है इसके अंदर पीछे स्पेस। हम तो यार इधर भी बैठा लेते हैं, दो इधर साइड में होके मतलब दो मेंबर आराम से बैठ जाते हैं एक सीट पर। इसके अंदर क्या है कि इधर स्पेस दे रखा है बहुत, इधर भी स्पेस है, इस कारण पीछे की तरफ चार मेंबर इजीली बिठा लेते हैं इसके अंदर। तो उस वाली के अंदर क्या है बैठा नहीं पाते। ये क्या है लंबे टूर पर तो जाने लायक है नहीं, मतलब आसपास के मतलब आते ना मतलब खड्डे उबड़ खाबड़ के अंदर चलाने के लिए बहुत बढ़िया है, वैसे तो है नहीं ये, बस चला लेते हैं। अभी इसके अंदर पीछे की तरफ टायर फट गया था, वो हाल ही में नया डला है इसके अंदर। और ऐसा कुछ है इसका इंटीरियर, मतलब इंटीरियर कोई इतना खास है नहीं, इसकी सीट तो एडजस्ट होती थी पहले, अब नहीं होती क्योंकि फिक्स हो गई है अभी। अभी पीछे आगे वाली मेरे हिसाब से सेट है सीट, अभी इसको तो पीछे रख देते हैं अपन। अभी क्या आगे तो मैं थोड़ी सी आगे कर रहा हूँ, वैसे मेरे हिसाब से भी नहीं है ये, और किसी के हिसाब से सेट है। अब ये आगे पीछे तो होती नहीं है सीट, ये कन्फर्म है, होती थी पहले पर अभी हाल ही में नहीं होती इसकी सीट आगे पीछे, मतलब पूरी को मतलब ये कंफर्ट के लिए तो बनी नहीं भाई गाड़ी। पहले के आदमियों के लिए था कंफर्ट, पर आज के आदमियों के लिए तो है नहीं इसमें इतना कंफर्ट, मतलब नॉर्मली है इसका। ऐसे कुछ डैशबोर्ड के अंदर इसकी मेरे पास की भी है देखो, ये तो यार कहीं अंदर क्या है में। इसके अंदर मतलब नॉर्मली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जिसके अंदर हमें मतलब इंजन टेम्परेचर बता देता है, इसके अंदर इंजन टेम्परेचर बता देता है, और मतलब कितने किलोमीटर ड्रिवन हो गई, स्पीडोमीटर है और फ्यूल मीटर है। और इसके अंदर मतलब ये नॉर्मली साइंस दे रखे हैं, जो कि मतलब इंजन ओट के इंडिकेटर के, मतलब ये है नॉर्मली ये, और ये ट्रिप का ए और बी का है, मेट्रो को ट्रिप करने का है। इसके अंदर एसी कंपनी से नहीं आता था, वो हमने अननेसेसरी रूप में डलवाया हुआ था ये। इसके अंदर हमें सब स्टीरियो सब मतलब अननेसेसरी रूप में डलवा रखा था, और इसके अंदर कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता हमें, नहीं कोई वैनिटी मिरर कुछ भी, ये इसका IRVM है। और इसके अंदर हमें यहाँ पर स्विचेस दे रखे थे, मतलब अभी कहीं भी ऐड ऑन कराओ ना कोई एसेसरी, तो इसके अंदर मतलब स्विचेस ऐड ऑन हो सकते हैं यहाँ पर, मतलब जो अभी ABS के अंदर थार के आ रहे हैं ना, मतलब ABS ऑन करना चाहते हो या ऑफ करना चाहते हो, या एयरबैग ऑन करना चाहते हो ऑफ करना चाहते हो, इसके अंदर ऑलरेडी स्पेस दे रखा था, मतलब आप यहाँ पर स्विचेस लगा सकते हो अपने हिसाब से। हमने लगाए भी हैं कई जगह पर, एक जगह तो यहाँ AC का लगा रखा है, मतलब ऐसे स्विचेस ऐड ऑन भी करा रखे हैं हमने। और इसके अंदर बूट स्पेस के अंदर भी लॉक मिल जाता था हमें पहले, जो भी लॉक है बढ़िया इसके अंदर बूट स्पेस तो क्या है ये मतलब। और इसके अंदर मतलब पहले के पुराने आदमी क्या है, वो बीड़ी कुछ ज़्यादा पीते थे उसके अंदर, वो उसको ये वाला फीचर मेरे को इसके अंदर कोई खास लगा है। इसके अंदर ऐसे घुमा के ऐसे इसके अंदर बीड़ी कुछ भी डाल दो, कुछ सामान डाल दो, सिक्के कॉइन्स डाल दो कुछ भी, ये वाला इसके अंदर फीचर बढ़िया था, ऐसे फीचर के लिए तो जानी जाती थी यार महिंद्रा बोलेरो। दोनों तरफ दे रखा है ये वाला फीचर, आज की गाड़ियों में तो देखने के लिए नहीं मिलता, मैं इस गाड़ी के अंदर जरूर दे रखा है ये वाला, मैंने तो भाई इसी गाड़ी के अंदर देखा था ये। और डैशबोर्ड हमें इसके बाद में मतलब पिकअप में भी मतलब 6-7 साल लगातार चला था ये। और मतलब इसके अंदर रूफ लैंप ये ऐसा मिल जाता है, अभी भी ऐसा ही आ रहा है, महिंद्रा ने कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया, बोलेरो SJT कॉपी पेस्ट है अभी भी, बस थोड़ा वाइट मतलब ये AC मतलब थोड़ी सी मतलब ये देखो पीछे से मतलब बैक ब्रेक लाइट रे चेंज कर दी, उससे क्या होता है उसके अंदर स्पॉइलर एसेसरी के रूप में तो आती रहती है, एसेसरी के रूप में ये डलवा रखा है हमने भी स्पॉइलर, उससे क्या है कि बढ़िया लुक आ जाता है अपनी महिंद्रा बोलेरो का। और इसके अंदर आगे से मतलब बढ़िया सेट हो रखी है मतलब आगे से मेरी सीट बढ़िया एडजस्ट हो रखी है। अभी देखो मैं पीछे की तरफ जाता हूँ, देखो आपको बता दूँ पीछे की तरफ जाके कि मेरे हिसाब से कितना स्पेस है। और अभी इसके अंदर तो क्या है, पहले हमारी वाली से क्या हुआ ऐसा लगता है हमारी वाली उससे तो काफ़ी स्पेस मिल जाता है इसके अंदर। अभी देखो सीटिंग भी थोड़ी सी ऊँची है उससे, अभी इसके अंदर स्पेस भी काफ़ी दे रखा है, तो उससे तो कई मुकाबले अच्छी गाड़ी है ये। कंफर्टेबल तो है नहीं, हालांकि बैठ सकते इसके अंदर मेंबर बहुत ज़्यादा है, मतलब लेग रूम अंडर थाई सपोर्ट है नहीं इसके अंदर, थोड़ा बहुत मिल जाता है टेम्परेरी वैसे है,
मतलब वो पहले सवारियों के अंदर नहीं चलती, तूफान उफान है ऐसे जयपुर के अंदर उस टाइप के अंदर है ये गाड़ी, मतलब अच्छा खासा इसके अंदर। ये देखो और हमें पीछे की तरफ ये डोर के पीछे हमें ऐसे ही मिल जाते हैं इसके अंदर, ना ही तो कोई पावर विंडो है ना ही कोई, और ऐसे ही कुछ इसके डोर अनलॉक के मतलब मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक लॉक अनलॉक ये सब कुछ बटन मिल जाता है। ये इसका एक रैप हैंडल है ऊपर की तरफ, हैंडल दे रखा है पकड़ के उतरने के लिए, मतलब ये बड़े बूढ़े आदमियों के लिए तो बहुत बढ़िया गाड़ी है। देखो देखे जाए तो मतलब उनको कंफर्टेबल भी, ऊंची की ऊंची गाड़ी कहीं पे भी कूदाओ कुछ बढ़िया बढ़िया चलती है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं गाड़ी के अंदर। इसका ग्रैब हैंडल यहाँ पर दे रखा है, मतलब ये बढ़िया है, मतलब सारी पावर विंडो उस समय आती नहीं थी, देखो चलती भी नहीं थी ऐसी नॉर्मल गाड़ियों के अंदर, मतलब बढ़िया है, रफ एंड टफ गाड़ी है ये। इंजन स्पेसिफिकेशन भी बढ़िया है इसका, मतलब वो भी बढ़िया, पहले चार मतलब इसको अपने 4x4 भी इजीली करवा सकते हैं, मतलब 2500 cc मिल जाता है इसका इंजन, जो कि बढ़िया पावर जनरेट करता है, मतलब गाड़ी तो बहुत बढ़िया रफ एंड टफ है ये। बस इसका थोड़ा मेंटेनेंस नहीं करवाते वैसे तो बढ़िया, टायर साइज भी सेम मिल जाती है हमें देखने के लिए इसके अंदर, 215/75 R15 सेम टायर डाल रखे हैं अपनी बोलेरो के अंदर, उसके अंदर भी सेम टाइम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट है भाई। ग्राउंड क्लियरेंस भी 180 mm है जो कि दोनों की सेम है, बस इसके अंदर थोड़ा लीफ सस्पेंशन का है और इसके अंदर थोड़ा वो चेंज कर दिया आगे के अंदर कोयल सस्पेंशन डाल दिया, बस यही फ़र्क है। बस आज के लिए तो बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार।